इस वीडियो में आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा। और वो प्रॉब्लम है हमारा रॉकेट। रॉकेट में ज़्यादातर आपने देखा होगा कि चलते चलते ये क्या होता है कि इनका सामने का जो पोजीशन होता है वो घिस जाता है, जैसा कि आपको इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा। जो मैंने रॉकेट रखा हुआ है उनका सामने का पोजीशन जो है, जो आधा हिस्सा जो होता है मतलब किनारे की तरफ, वो घिस जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम होता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी मशीनें होती हैं, जो हमारा डाई, रॉकेट डाई का जो सेटिंग होता है, वो सेटिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है और जो स्टिक होती है वो स्टिक डिफेक्टेड निकलती है और फंसने लग जाती है ज़्यादातर। तो इसको आप साफ करके रीयूज में ला सकते हो। इसको आपको थोड़ा सा क्लीन करना है। अब वो क्लीन कैसे करना है, एक तो हमारे पास है ये ग्राइंडर मशीन, और दूसरा ऑप्शन है कि इस तरह की जो फाइलें आती हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस टाइप की फाइलें आप ज़रूर रख लें अगर आप ग्राइंडर आपके पास नहीं है तो। और इस फाइल से आप इसे घीसिए, मतलब इसका जो सामने का हिस्सा है उसको आप बराबर पोजीशन में ला के रखिए, फिर आपका ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल मैं अभी ग्राइंडर से इसको साफ करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा ग्राइंडर है, मतलब जो हमारा रॉकेट है, ये पूरी तरीके से सामने का हिस्सा जो है बराबर हो चुका है। तो इसके बाद हम इसे रीयूज़ में ले सकते हैं। आपको इस वीडियो में पूरा दिख रहा होगा, आपको ये पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है और इसे आप फिर दोबारा अपने रीयूज़ में ले सकते हैं। और इसे बिल्कुल ना फेंके जब तक इनका आपका पूरा जो यूज़ नहीं हुआ है, तब तक इसको बिल्कुल ना फेंकें आप। इसको ऐसे ही क्लीन करके आप इसे रीयूज़ में ला सकते हैं। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था ये।